स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एम्स के रिजल्ट को कैसे चेक करना है, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में या आपको प्रॉपर स्कोर कार्ड के फॉर्म में। टोटल डिटेल्स में जानकारी दूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए लाल सब्सक्राइब पे क्लिक करें एंड घंटी बटन को दबा दें, ताकि मेरा कोई वीडियो नीट के रिलेटेड, एम्स के रिलेटेड आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बता दूं कि नीट का रिजल्ट अभी थोड़ी देर में जारी किया जाएगा, और आपको जारी करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, aimsexam.org गूगल पर टाइप करना है, वहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करना है। रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वाला एकेडमी कोर्स, आप पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में आपको एक पेज डाउनलोड होगा, पीडीएफ डाउनलोड होगा, उसमें आपको प्रॉपर आपका अगर नाम है तो उसमें होगा। जैसे ये देखिए एम नर्सिंग का जारी किया गया है, तो यहाँ से और यहाँ पे जैसे एमबीबीएस का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये एम्स का, यहाँ पे एक अलग आपको पेज नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा आज 12 तारीख के डेट में। और आप चाहते हैं कि प्रॉपर स्कोर कार्ड, स्कोर जो होता है आपको प्रॉपर उसके साथ आपको प्रिंट निकले और कट ऑफ उसमें हो, प्रॉपर सब कुछ हो, तो आपको सबसे पहले कहाँ करना है बता रहा हूँ, आपको एकेडमी कोर्स पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन एकेडमी कोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए एमबीबीएस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए। आपको इस पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा और एक पेज खुल जाएगा, इसमें लॉगिन आईडी, इसमें आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे देखिए अपना आपके पास जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो यहाँ पे फिल करें, रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड जो भी यहाँ पे फिल करें, और पासवर्ड फिल करने के बाद ये कैप्चा इसमें फिल कर दें, आप इसको फिल करें और लॉगिन कर दें, और यहाँ से आपका प्रॉपर स्कोर कार्ड जो होता है उसका, एमबीबीएस का, एम्स का, आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो बस आप इंतजार करें। और एक अलग बात बता दूँ, कई बार क्या होता है कि रिजल्ट जारी होने के बाद एक साथ मेनी स्टूडेंट्स एक बार इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होने लगता है कि आपको जल्दी वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा होगा आपको, जैसे नीट में हो रहा था। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा 2-4 घंटा वेट कर लीजिएगा, शाम तक रात तक ये वेबसाइट फिर अगर वर्क न कर रहा है तो काम करने लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वीडियो।